मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे क्लास इज कंप्लीट द इन्फेक्शन न्यूनेटल। टुडे इज टॉपिक बर्थ इंजरी, यानी बर्थ इंजरी क्या होती है, किस कारण से होती है, कौन कौन सी इंजरी नॉर्मली बर्थ के ड्यूरिंग में होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बर्थ इंजरी इज ए ट्रॉमा प्रोसेस ऑफ ए डिलीवरी, यानी डिलीवरी के टाइम में एक बर्थ इंजरी एक प्रकार का ट्रॉमा है जो इनवॉइडेबल अवॉइडेबल एंड इन अवॉइडेबल होता है, यानी दोनों प्रकार का ट्रॉमा इसमें इंक्लूड होता है, जो पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी को मोर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी का बर्थ इंजरी या बर्थ ट्रॉमा ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस। अब देखते हैं कौन कौन सी जो है नॉर्मल इंजरी होती है, या हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी जो भी है, कौन कौन सी हमें न्यूनेट्स में बर्थ टाइम होती है। पहला दूसरा सेफेलो एना कोमा, नेक्स्ट बर्थ करेनियल इंजरी या करेनियल हेमरेज, स्कल बोन फ्रैक्चर्स, एंड स्कल। तो बर्थ कंडीशन में जो है हेड में नॉर्मल कैपेसिटम सेपेटो हेटोमा एंड क्रेनियल हेमरेज बोन्स फ्रैक्चर्स एंड स्कल फ्रैक्चर्स, ये नॉर्मल या नॉर्मल सामान्यता नॉर्मल डिलीवरी में ये कंडीशन हो सकती है, जो हो सकती है। तो पहले लेते हैं हम सेफेलो सेंसिटिव, कैपुट सेंसिटिव क्या होता है, ये इसे स्वेलिंग एंड इडिमा, इडिमा होता है इन्फेंट और देयर एपीयर लम एंड डम हेड हेड ऑन डिलीवरी प्रोसेस, यानी डिलीवरी के समय जब बच्चा, ये हमें कंडीशन जो है एक लंप या डम के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं कैप्सुल सेक्सिडम, जो कंडीशन जो हार्मलेस नहीं होती, जो बच्चे को पुट ऑन द प्रेशर ऑफ द इन्फेंट स्कल बोन, यानी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान प्रेशर देने के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है, और जो किसी प्रकार की ब्रेन की या स्कल बोन की इंजरी को इंडिकेट नहीं करती, परंतु जॉन्डिस जैसी कंडीशन को ये डेवलप करती है या हमें इंडिकेट करती है कि जॉन्डिस कंडीशन हो सकती है, परंतु ब्रेन के संबंधित कोई या कोई इंजरी या फ्रैक्चर्स ऑफ द या क्रेनियल बोन्स की कंडीशन को डेवलप नहीं करती। तो ये कंडीशन जो होगी कैप्सुल सेक्सिडम, इसमें जो मैनेजमेंट होगा, जो इसमें किसी प्रकार की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, परंतु ये 36 हॉर्स में डिसअपीयर कंडीशन हो जाती है।
यानी ये सब ही डिसअपीयर कंडीशन हो जाती है या ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। क्या कुछ सेक्शन है, नेक्स्ट लेते हैं अपन। दिस कंडीशन इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इन द पेरिटोनियम एंड द स्कल्प फ्रैक्चर बोन, यानी पेरिटोनियम के अंदर ब्लड प्रेशर इकट्ठा होना सेफल एवर्टोमा कहलाता है, जो किस कारण से होता है, इट अगर एक्सेसरी रप्चर वेंट्स क्या होती है, ये रप्चर कारण से ब्लड कलेक्शन इकट्ठा होता है कहां पे, पेरिटोनियम एंड स्कल्प बोन में, स्कल्प बोन में जो कलेक्शन इकट्ठा होता है, ये एस्मेरिक जो वेंट्स होती है वो जो एक्स्ट्रा वेंस सिस्टम और इंट्रा वेंस सिस्टम को आपस में जोड़ती है, जिस कारण से ये वेंट्स, इस कारण से ये रप्चर होती है। जैसे कि फोर्सेप्स डिलीवरी, डिलीवरी की ब्लीडिंग में फोर्सेप्स डिलीवरी, फोर्सेप्स का यूज करना, फोर्सेप्स एक फोर्सेप्स, इसको फोर्सेप्स डिलीवरी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि फिटल हेड को कंप्रेस करके बाहर की तरफ लाया जाता है, इस कारण से ये कंडीशन हो सकती है सेफेरोएमेटोमा। जैसे कि फोर्सेप्स डिलीवरी इस डायग्राम में आपको दिखाई गई है, मतलब ये कंडीशन कुछ दिन में या इसमें ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है, परंतु कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं तो विटामिन के इसमें दिया जाता है 1-2 और अगर जो कलेक्शन है वो इन्फेक्टेड है तब उसको क्या है, हमें इंसिजन या ड्रेनेज के द्वारा बाहर आउट करना पड़ता है, और इसमें सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक थेरेपी भी दी जाती है और मॉनिटरिंग की जाती है हेमरोटिक कंडीशन और बिलिरुबिन लेवल को, तो इसमें ये मैनेजमेंट रहेगा इजीली। नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें इंजरी में, हम लेते हैं इंट्राक्रैनियल इंजरी या इंट्राक्रैनियल हेमरेज। दिस कंडीशन डेवलप बर्थ एस्पेक्सिया ड्यूरिंग ए लैक ऑफ ऑक्सीजन डाइग्रेशन, यानी बर्थ टाइम, यानी बर्थ टाइम में ऑक्सीजन का कमी जो बर्थ एस्पेक्सिया को करती है, जिसके कारण से इंट्राक्रैनियल हेमरेज या अदर कोज ऑफ बर्थ ट्रोमा, बट ट्रोमा द अदर मैकेनिकल फोर्सेज ऑफ द फिटल स्कल, फिटल स्कल पर कोई मैकेनिज्म अदर फोर्सेज जो लगाए जाते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगाया जाता है जिसके कारण से बट ट्रोमा होता है, इसके कारण से इंटरग्रेटेड हेमरेज हो सकता है। तो इंटरग्रेनियल हेमरेज। नेक्स्ट लेते हैं कॉज, आई थिंक
कार्बन से ये हो सकता है पार्टिसिपेट, ठीक है, या हॉस्टल भी करेगी, पार्टिसिपेट यानी जो ड्यूरिंग टाइम दो से तीन जने या चार पांच जने जो फोर्स लगा है पिटल स्कल बोन की तरफ ड्यूरिंग फ्रिक्शन के कारण से वजाइना के और पिटल स्कल बोन के बीच में होता है जिसके कारण से कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा फोर्स भी लेगी जैसे कि मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिलीवरी करवाई जाती है जिसके कारण से जो है पिटल स्कल बोन कंप्रेस होती है जिसके कारण से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा कारण है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के द्वारा उसके कारण पिटल हेड को बाहर की तरफ आउट किया जाता है ड्यूरिंग टाइम में जिसके कारण से कंडीशन डेवलप हो सकती है। और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन यानी लार्ज ब्रीथिंग, अगर लार्ज ब्रीथिंग हेड है यानी ब्रीथिंग का स्तर बड़ा है तब इस कंडीशन में वैक्यूम एक्सट्रैक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ द ब्रिज डिलीवरी, ब्रिज सॉरी प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन presentation and other abilities of the caused by intervening injury या hamstring। अब लेते हैं जो neurological manifestation होते हैं जो intracranial injury में पाए जाते हैं। पहला है traumatic intracranial injury, ट्रोमेटिक क्या होता है इसमें जो है जो ट्रोमा होता है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल के होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल जो अटैच होता है स्कल पिटल स्कल फ्रैक्चर से, और सब ड्यूरल क्या होता है इसमें जो वसल्स होती है यानी सेजिटल साइनस है वो एंड जो स्मॉल वेस कॉर्टेक्स है वो जो रेप्चर होता है जिसके कारण से प्रोड्यूसिंग हेमाटोमा यानी हेमाटोमा बनता है इसको कहते हैं ट्रोमेटिक इंटरग्रेन इंजरी। दूसरा है एनोक्सिक, एनोक्सिक में क्या होता है एनोक्सिक में कैन बी इंट्रा वेंटिकुलर सब एरेक्नोइड इंट्रा वेंटिकुलर सब एरेक्नोइड एंड इंट्रा सेरेब्रल सेरेब्रल इसके कारण से क्या होता है इट इफ अकर्स ड्यू टू रैप्चर ऑफ सब एपिडर्मल वसल्स होती है जो रैप्चर होती है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है ब्रिजिंग वेंस बिटवीन ओवियम सुपरफिशियल ऑफ मेजर और मेजर वसल्स जो रैप्चर होती है जिसके कारण से ये कंडीशन यानी एनोक्सिक इंटरग्रेनियल हेमरेज डेवलप होता है। नेक्स्ट लेते हैं इसी में क्लिनिकल फीचर्स, कौन-कौन से सिम्टम जो ग्रीन हेमरेज में देखने मिलते हैं। पहला है कन्वर्जन, अपने अपनी अटे ये जो ये कंडीशन है कन्वर्जन एंड अपनी अटे जो मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेटेड हेमरेज में देखने को मिलती है। एंड दूसरा हाइपोटोनिया हो जाता है यानी कौन सी कमी हो जाती है, बंदिंग एंटीरियर फोंटेन होता है, वोमिटिंग होती है, हाई पिच होते हैं, इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट होते हैं और ट्विचिंग थैलेसिस एंड डिप्स थैलेसिस। तो दिस कंडीशन एक
साइन थीटा एंड ये फीचर ऑफ इंटीग्रल है। मैनेजमेंट ऑफ द सिम्पटोमेटिक एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट आर डन इन द इंटेंसिव केयर, यानी आईसीयू के अंदर हमें सपोर्टिव केयर और सपोर्टिव मैनेजमेंट या सिम्पटोमेटिक जो केयर है वो दी जाती है मोस्ट ऑफ दी। इसमें क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी है, इसमें वेंटिलेशन वेंटिलेटरी केयर है, वार में यानी हाइपोथर्मिक कंडीशनमेंट के लिए मार्मिक है और क्लीन एयरवे है और कल्वेजन के लिए एंटी कल्वेजन थेरेपी है एंड टेपिंग ऑफ द सीएसएफ, यानी टेपिंग सीएसएफ का मतलब ये कि सीएसएफ फ्लूड को हम डायरेक्ट में एसेस करेंगे कितना है टेपिंग करके बार बार, और विटामिन के एंड एंटीबायोटिक थेरेपी। विटामिन के को प्रिवेंट ऑफ ब्लीडिंग 1-2 mg दिया जाता है, प्रिवेंट टू ब्लीडिंग या हेमरेज कंडीशन एंड सपोर्टिंग मेजर्स में क्या है, मोरेटिक को वाइटल साइंस एंड जेंटल हैंडलिंग टू डिवॉर्मेंट फिजिकल स्टिमुलेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो रेस्ट कहते हैं प्रोग्रेसिस जो डिपेंड होता है वो नेचर ऑफ हेमरेज, यानी इस प्रकार का हेमरेज है उसमें इंटरग्रेनेड हेमरेज इज ए हैवी पुअर प्रोग्नोसिस विद हाई मोर्टेलिटी, यानी इस प्रकार के हेमरेज में जो है प्रोग्रेसिस एंड हाई मोर्टेलिटी कंडीशन होती है। सर्वाइवर में डेवलपमेंटल इंडार्सन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन लेट लाइफ, यानी लेट लाइफ में न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल इंडार्सन भी डेवलप हो सकता है। तो इंटरग्रेनेड इंजरी में हमने डेफिनेशन स्कोर एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज टुमारो। थैंक यू।